जिला प्रशासन द्वारा जारी रोस्टर का दुकानदार पालन करने के संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन के द्वारा सभी दुकानों के लिए अलग अलग रोस्टर तैयार किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की कौन कौन सी दुकानें कब खुलनी है ये एक रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है और सभी दुकानदारों से और व्यापार मंडल के अध्यक्ष से अपील है कि अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से और अपने रोस्टर के हिसाब से ही दुकानों को खोलें। कोई भी दुकानदार अपने दुकान का सामान अपनी दुकान के बाहर नहीं रखेगा और जो भी वाहन दुकानदार के हैं या ग्राहक के हैं उस वाहन को निर्धारित स्थान पर जाकर खड़ा करेंगे जिससे कि रोड जाम ना हो सके और सोशल डिस्टेंस बना रहे। जो भी दुकानदार रोस्टर के खिलाफ दुकान खोलेंगे उन दुकानदारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सर जिला प्रशासन के द्वारा दुकानों को रोस्टर तैयार किया गया है। हाँ, रोस्टर दुकानों के लिए एक रोस्टर तैयार कर दिया गया है कि किराना की दुकान किस किस दिन खुलेगी और दूसरी एसेसरीज की चीज़ें, नेसेसरी आवश्यक वस्तुओं की कौन कौन सी दुकानें कब खुलनी हैं ये एक रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है और सभी दुकानदारों से, व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोगों से ये अनुरोध है कि शेड्यूल के हिसाब से, अपने रोस्टर के हिसाब से ही दुकानों को खुलवाएं और कोई भी दुकानदार अपना दुकान का सामान अपनी दुकान की परिधि से बाहर फुटपाथ पर या सड़क पर नहीं रखेगा और जो भी वाहन दुकानदार के हैं या जो उनके यहाँ ग्राहक के हैं वो एक निर्धारित प्लेस पर जाके वहाँ पर पार्किंग करेंगे ताकि सड़क पे जाम ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग को किसी प्रकार से खतरा ना हो। सर कहीं से कहा जा रही है कि लोग रोस्टर तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो रोस्टर के खिलाफ दुकानें खोलेंगे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ दर्ज की जाएगी।